गाड़ी में सवार होकर कांग्रेस प्रत्याशी नारायण पटेल ने किया नामांकन जमा। भाजपा प्रत्याशी के साथ सांसद नंद कुमार सिंह चौहान रैली में। विधानसभा चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख शुक्रवार को होने से सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा करवाए, जहां कांग्रेस प्रत्याशी नारायण पटेल ने अनोखा प्रयोग करते हुए बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने समर्थकों के साथ बैंड बाजा लेकर जुलूस निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन जमा किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ खुली जीप में सवार होकर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान रैली के माध्यम से नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे। साथ ही नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री दिया है, कांग्रेस में वह दम नहीं है। मतदाता विधानसभा में निर्दलीय एवं कांग्रेस से प्रत्याशी के तौर पर उत्तम पाल सिंह पुरनी, सपाक्स से प्रणय गुप्ता, भाजपा से बागी निर्दलीय के तौर पर चेतराम नायक, निर्दलीय प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर बीपी मिश्रा, बहुजन समाजवादी पार्टी से अनिल परते, वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित 11 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन फॉर्म जमा किए। वहीं दोपहर 3 बजे तक ही फॉर्म जमा करने की घोषणा के बाद शिवसेना उम्मीदवार अंदर पहुँच चुके थे, परंतु उनका फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर ने अस्वीकार कर समय का हवाला दिया। हुमेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट, मुंडी पुनासा, आज की आवाज़। मांधाता विधानसभा क्षेत्र में अचानक भाजपा को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा, इसका क्या कारण था? नहीं, अचानक नहीं है, पार्टी की एक प्रक्रिया होती है। ये एक विशाल पार्टी है, वटवृक्ष है, समय समय पर पार्टी में परिवर्तन होता रहता है और उसी के तहत यहाँ पे परिवर्तन में श्री नरेंद्र सिंह तोमर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। आपको याद दिला दूं, 2003 नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। दुर्भाग्य से उस समय में भारतीय जनता पार्टी के ही 3 लोग निर्दलीय चुनाव लड़ लिए थे और वो 3 लोगों ने 32,000 वोट लेकर गए थे और मात्र 4,200 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर जब चुनाव में पराजित हारे थे। वो 2008 में भी टिकट मांगते रहे, अपना दावा रखते रहे कि मैं तो समय में परिस्थिति के कारण पराजित हुआ, मेरा हक बनता है। 2008 में श्री लोकेंद्र सिंह जी को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। 2013 में लोकेंद्र सिंह कुल 18 फॉर्म आज 3 बजे तक जमा हुए हैं, 11 व्यक्तियों द्वारा 18 फॉर्म डाले गए। फॉर्म तो 21 उठे, हमारे पास लौटे 18 है। 21 में से 18 आपके पास जमा हुए हैं? जी। थोड़ा सा उठाने का जो जांच की प्रक्रिया, उठाने की तारीख जांच की प्रक्रिया जो समीक्षा की तारीख है वो 12 तारीख को 11 बजे से समीक्षा होगी और उसके बाद जब अभ्यर्थिता फाइनल हो जाएगी उसके बाद 14 तारीख को अभ्यर्थिता वापस लेने की तारीख है, उसके बाद प्रतीका काउंटर। 14 तारीख की लास्ट टाइम क्या होगा? 14 तारीख 3 बजे तक। 3 बजे तक जी। मैम, किसी प्रत्याशी के साथ जी कोई और अगर आ रहा है या प्रत्याशी स्वयं अपना पार्टी का सिंबल लेकर के तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जा नहीं सकता, ये नियम में है? हाँ जी। कोई प्रत्याशी कोई साइन सिग्नल जो होते हैं पार्टी के वो लेके आ सकता है क्या ऑफिस में? नहीं, कोई झंडा बैनर तो लेके नहीं आ सकता। नहीं, पार्टी का सिंबल गमछे में, टोपी में, किसी में, वो उसका व्यक्तिगत पहनावा, क्या पहन के आ रहा है वो उसका मतलब उनका अपना विषय है, उससे कोई किसी प्रकार का निषेध नहीं है। मैडम, आम आदमी को यहाँ पे निर्दलीय के रूप में मान्यता मिली है? नहीं, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, उन्हें राज्य में मान्यता प्राप्त है, वो पंजीकृत जो निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजीकृत पार्टी से उसमें है, तो आम आदमी पार्टी के रूप में। नहीं, जैसे यहाँ पे उसको निर्दलीय के रूप में, निर्दलीय के रूप में नहीं माना गया है। जो कैडर आप वो शायद उसके लिए कह रहे होंगे जो उनके प्रस्तावक की संख्या के आधार पर कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है
या जो राज्य में मान्यता प्राप्त दल है उनको एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, और शेष सभी राजनीतिक दल जो पंजीकृत हैं वो उनको और जो जो वहाँ रिपोर्टिंग की है जी डिस्ट्रिक्ट लेवल जी वहाँ ये किया है कि वो